आदमी चाहता ही नहीं जो उनसे जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करे, इन्होंने इसी ना ये मरगांगा को टिकट देने के, ना ये अनिल को टिकट देने के, ना उसे देने के मनीष चौहान को, इन तीनों आदमियों को टिकट देने के नहीं, क्योंकि इनका भाईचारा, इनका काम, इनके 36 बिरादरी इनकी मकान घर पे, इनकी कोठी पे जाती है, ये सबका काम करते हैं, इनको टिकट नहीं मिलेगा। वहां तो टिकट उसे मिलेगा जो उनसे जो है एक तरफा की बात करेगा। भाई हम विपक्ष के हैं, अच्छा। मेरी बात सुन ले, हमारा तो काम हुआ नहीं, अच्छा। जो उनके पक्ष में उनका हुआ नहीं, एक बात तो सुन ले, एक आदमी गरीब आदमी वो पात्र है, उसकी तो लैट्रिन बनी नहीं, और जो है पात्र है उसे घर में लगवा दी 4 ईंट, तो गलत है, तो फिर ये कहाँ का वो हुआ? मैं ये तो रुक रहा था, मगर भाई ना बताना पड़ा प्रधानी के बारे में, गरीब घर बनवा दिए बीजेपी ने, गरीब लोगों के झोंपड़े हवेली भी बनवा दी, यहाँ तो इकरा के, अच्छा इकरा के हो यहाँ तो एक तरफा। प्रधान जी के कैसे लग रहा? प्रधान जी प्रधान तो हमारे भाई, हम तो देखो खिलाफ आदमी, हमारा खेत पूछे तो हमारे तो बड़ी भी नहीं बंदी आज चौहान जी, प्रदीप जी तो कह रहे हमने विकास कराया 5 साल में, पूरे कुछ नहीं कराया। मेरी बात सुनो मुसम्मा, क्षेत्र के नेता अपने यहाँ से जो है अनिल चौहान है, मरगांगा सिंह है, इकरा हसन है, अच्छा। मनीष चौहान है, ये हमारे क्षेत्र के 4-5 नेता है, अच्छा। हम भी मरगांगा के भी गए, अपना काम लेकर वहां भी हुआ, तो बस मरके गए वहां गया, नाइद का वहां हुआ, अच्छा। और अनिल चौहान जी है अब वो जिला पंचायत अध्यक्ष थे यहाँ से। मैं अक्रम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी, विवाजित के साथ में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज इंडिया पे स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और भारत में चुनावी एक लहर चल रही है, चुनावी एक हवा चल रही है, लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, ये आप कह सकते हैं कि चुनाव आपके सर पर आकर खड़ा हो गया है। आपको बता दें कैराना लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को वोट डलना है, जहां से इकरा हसन और प्रदीप चौधरी जी का रुका ज्यादा सुनाई दे रहा है कैंडिडेट, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक ग्राम के अंदर आया हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड है, जो कि थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाना चाहता हूं आपको बोर्ड को, ताकि कैमरामैन आगे आए, थोड़ा सा प्लीज जूम करके दिखाएं। ये बोर्ड जो लगा हुआ है, ये गढ़ी दौलत का बोर्ड है और ये मदरसे का भी बोर्ड है, जामिया बदरुल उलूम इसका नाम है मदरसा, जो कि अंदर मदरसा है मौलाना कामिल साहब का। तो आप चलते हैं हम जरा गढ़ी दौलत के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो किसे चुनना चाहते हैं इस बार 2024 में, सुनवाते हैं, चलिए चलते हैं अंदर की तरफ ही चलते हैं, जरा आइए जरा चलते हैं। तो भाई चलते चलते गांव में आ चुका हूं मैं अंदर, ये भाई बैठे हैं, इनसे पूछते हैं जरा, क्या नाम है भाई साहब? शाहरुख भाई क्या लग रहा है चुनावी माहौल 2024 लोकसभा का? इकरा चौधरी जी तेरी भाई, इकरा चौधरी, हाँ जी, ऐसा क्यों लग रहा है जी? इकरा चौधरी बन गई यहाँ से, अच्छे कैंडिडेट है, अच्छे आदमी है भाई, पहली बार आई है मैं तो राजनीति में, क्या है अपना आपके जो दिल में तमन्नाएं हैं पूरी हो सकती है कि भाई वो काम करा पाएंगे? हाँ जी पूरा काम कराऊंगी, पूरा काम करा। तो गांव कितने हद तक साथ है? 100% साथ है, 100% साथ जी, मुझे दूसरे का वोट पड़ेगा। तो प्रधान जी का कैसा काम लग रहा आपको? प्रधान जी तो भाई हमें कोई काम नहीं लग रहा, नहीं क्यों हो रहा है कुछ काम वाम में? काम में काम नहीं, काम तो फिर आपने तो वोट दिए, काम तो होना चाहिए। ये देखो क्या हो रहा काम, अरे थोड़ा सा पानी उधर भी देखो, भी लगा करो, आप इधर ही आ जाओ भाई जी। क्या नाम है आपका, पहले नाम बताओ आप। राम से मोहम्मद समीम है जी मेरा नाम। समीम भाई बताओ लोकसभा के बारे में बताओ पहले तो, किसको वोट दोगे इस बार? इकरा हसन को। इकरा हसन को, अच्छा। प्रधान जी के बारे में आप कह रहे थे कुछ काम हो रहा नहीं हो रहा, क्या है पूरे काम में काम होया कौन भाई बता रहे हैं काम नहीं हो रहा? मेरी बात सुन, जो जिसकी टीम में है उसकी तारीफ करेगा भाई, अच्छा ठीक है। हम प्रधान के है या किसी और के हैं, हर आदमी बोलने की तारीफ करेगा। ईमानदारी से बता दे, एक काम नहीं करा प्रधान ने, काम के काम नहीं तेरे काम में, यू इसके बारे का पानी थमरा है मड़ा सा, ये जैसे तो भाई सौरा जिले में थमरा है, कोई दिक्कत नहीं। अजी नहीं, जिलों में भी थमरा है तो मुख्यमंत्री देखा है, जिला बेकार है मुख्यमंत्री संतुष्ट है प्रधान जी से? बिल्कुल इंशाल्लाह। क्या नाम है भाई साहब? मेरा मोहम्मद मनोवर चौहान है जी। क्या कहना चाहोगे मनोवर भाई, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? यहाँ से तो एक रही एक तरफ जी, 95% वही एक रही है यहाँ पर। अच्छा 5% में चूक के सारी, बस 5% में आ जाती है चूक, 100 की 100 तो कोई जाकर जाने करता भाई। अच्छा क्या लग रहा है आपको कि कितने लाख वोट इस बार जो है इकरा हसन जी को जीत के लिए मिलेंगे? 2.5 लाख बस जी, कम से कम 2-2.5 लाख से तो कम से कम जीत होनी चाहिए, 2-2.5 लाख से जीत। हाँ जी भाई, अभी यहाँ पर एक चचा और मिल गया हमें, क्या नाम है जी? साबिर है जी। क्या कहना चाहोगे लोकसभा 2024 में इकरा हसन या प्रदीप चौधरी आपके काम से? इकरा तो देंगे हम, क्या जाना प्रदीप कौन है? अच्छा 5 सालों में कहीं दिखाई दिए कहीं नहीं, तो एक राह का बना लिया इस बार इरादा पक्का इंशाल्लाह। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बताओ जी क्या नाम है भाई? अफजल है। अफजल भाई किसका लग रहा, इकरा का या प्रदीप? भाई इकरा का, यहाँ तो जरूरत है इकरा का ही बजेगा, यहाँ तो टापा।
गांव में प्रधान जी ने कुछ काम वाम करवा रखा या नहीं? गाँव में कुछ नहीं करवा रखा प्रधान जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम माजिद है जी। माजिद भाई, क्या लग रहा गाँव का माहौल कैसा है इस इलेक्शन का? गाँव का भाई विकास के नाम पर वोट मिलेंगे यहाँ तो। अच्छा, 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, इस बार विकास की कुछ उम्मीद है इकरासन से, तो इकरासन के नाम पर वोट पड़ेगा। तो गांव के कितने परसेंट ऐसा लग रहा है कि वोट डालेंगे इकरासन में? ऐसा है, जितना वोट डालेगा वो सारा इकरा के डालेगा। पूरे गांव का बहुल्य गांव है, इसमें तो एक तरफा वोट उसके हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि जो 5 साल हमारे पिछले चले गए, विकास के ऊपर वोट देना चाहिए, ना कि जो है इसके ऊपर कि भाई ये हमारा गांव हो गया उसका गांव हो गया। बात यह है कि विकास के ऊपर गांव है। यहाँ एक अनिल चौहान जी है जी, तो कह रहे हमने विकास कराया 5 साल में, अजी कुछ नहीं कराया। मेरी बात सुनो मुतम्मा, क्षेत्र के नेता अपने यहाँ से जो है अनिल चौहान है, मरगंगा सिंह है, इकरा हसन है, मनीष चौहान है, ये हमारे क्षेत्र के 4-5 नेता है। अच्छा, हम भी मरगंगा के भी गए, अपना काम लेकर वहां भी हुआ, तो बस मरके गए वहां गया, नाजिद का वहां हुआ। और अनिल चौहान जी है, अब वो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, यहाँ से जिला पंचायत रहे मेंबर, उन्होंने हमें 2 घड़ूंचे दिए हमारे खेत के, तो बताओ हम तो वोट काम के नाम पर वोट देंगे। अब क्या इकरा हसन ने हमारे से वादा करा के लगा भाई विकास का काम करेंगे, उनसे वोट देंगे। अच्छा एक बात बताओ कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने 10 साल में कितने काम करे हैं भाई? काम तो देखो 10 साल ठीक है, कोई वो नहीं है, लेकिन जो है भाई जो मुद्दे हैं लोगों के, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, महंगाई का मुद्दा हो गया, गैस सिलेंडर वाला मुद्दा हो गया, इसमें फैल रही 100 रुपए घटाया गया सिलेंडर का भी, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? 400 रुपए तब 1000 करके 100 घटा दिए, फिर 810 का कर दिया। हाँ 810 का कर दिया, ये नहीं है मुद्दा। बात यह है गरीब आदमी को जो उसकी मूलभूत जरूरतें हैं उनको जो है उनकी पूर्ति होनी चाहिए, बाकी का तो भाई सड़क बनवा दी है, जो है रोड बन रहे, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा प्रधान जी के कैसे हो गए 2-3 साल के करीब लगभग गुजर गए प्रधान जी को, कैसा लग रहा है, क्या माहौल है प्रधान जी का, कैसा काम वाम हुआ नहीं हुआ आपके गाँव में? कैसा भाई, हम विपक्ष के हैं। अच्छा। मेरी बात सुन ले, हमारा तो काम हुआ नहीं। अच्छा। जो उनका हुआ नहीं, एक बात तो सुन ले, एक आदमी गरीब आदमी वो पात्र है, उसकी तो लैट्रिन बनी नहीं, और जो है पात्र है उसे घर में लगवा दी 4 ईंट, तो गलत है, तो फिर ये कहाँ का वो हुआ? मैं ये तो रुक रहा था, मगर भाई ना बताना पड़ा प्रधान के बारे में, कहेंगे तो विपक्ष के हैं भाई प्रधान के बारे में पता नहीं क्या बोल रहे। अरे हम बोल रहे, हम बता मैं इस बात ने की जो है मुंह देख मकाम हो रहा। अच्छा, और कुछ नहीं है, विकास कहीं नहीं है, फोटो ज्यादा खींचे। अच्छा, सोशल मीडिया में तो काफी चीजें वायरल होती रहती है। हाँ फोटो खींचा है ना, फोटो तो है सोशल मीडिया वाले तो है, अकबर फोटो खींच लिया, कहने लगा ये हो गया वो हो गया, और कुछ इसके अलावा कुछ है नहीं। और पूछो प्रधान के बारे में और क्या क्या पूछना। सड़के पे लोग पानी भर रहा था पीछे, जब मैं आया वे कह रहे जी काम नहीं हुआ, एक दूसरा लड़का मिला उसने कहा जी पूरा काम हो रहा है। ऐसा है मेरी बात, गांव में 2 पक्ष तो नहीं है, मैं ही बताऊंगा। गाँव में तो पक्ष 1000 हो, गाँव का नहीं कहा जाता। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिनसी सड़कें कच्ची थी वे कच्ची है, अगर मैं पक्की बनी हो तो काम मानना जाएगा, तो काम मानना जाएगा। जिनसी सड़क कच्ची थी मैं आज तक भी कच्ची है, जहाँ पानी भरा था वहां पानी झुका जो भर रहा। चलो मैं दिखाऊं। चलो आपका नाम बताओ जी, क्या है? दिनु से। क्या कहना चाहोगे आप? आपने भाई ने तो सारी बात बताई थी प्रधान के बारे में, किसके पहले तो उसके बताओ जरा, 2024 के बारे में। 2024 का तो यहाँ इकरा का है। अच्छा, जो काम कोई करता नहीं किसके नहीं, यहाँ तो इकरा का वोट है। गरीब घर बनवा दिए बीजेपी ने, गरीब लोगों के हवेली भी बनवा दी, यहाँ तो इकरा के। अच्छा, इकरा के हो यहाँ तो एक तरफा। प्रधान जी के कैसे लग रहा? प्रधान जी भाई हम तो देखो खिलाफ आदमी, हमारा खेत पूछे तो हमारे तो बड़ी भी नहीं बंदी आज, हमारा तो कुछ काम नहीं, आप कुछ करके देंगे। जिनका काम हुआ वो तो कहेंगे बेचारा ठीक है अपने काम करवा रहा हूँ, जो हमारा को कागजों में काम है कहीं धरातल पे तो नहीं है, तो सारी सड़क 2010 में मायावती के राज में बन रही, उससे बाद में किसने क्या सड़क बना दी? कुछ नहीं बनाई, मायावती की है, कुछ हुआ नहीं। अरे मायावती के राज की है तो इन्हीं पे मल्लम पट्टी लगा दिया, पीछा काट लिया, तो वोट देवे क्यों फिर गाँव वाले है? अरे एक बात तो बता, वोट तो देना ही है, कोई ना कोई तो जीतेगा। असल बात यह है, काम जो है ना, काम काम मुंह देखमा है, वही 5-7 गुर गए अपने हो गए जो उनके उनके काम कर दिए, बाकी का सब गया बाढ़ में। असल असल बात यह है, काम होना चाहिए, सभी लोग अपने हैं भाई। बात सुन ले, ऊपर से लेकर नीचे लो यू काम है, सरकार बन जाए जिसकी बन जाए उसी वर्ग को फायदा होगा, बिल्कुल जिसकी नहीं बनती उसे होता नहीं, तो ऊपर से चलता रहा नीचे लो यू रहेगा भाई। भ्रष्टाचार न कभी खत्म हुआ और न होगा,
वो लेके एक ग्राम पंचायत से और दूर जो है राष्ट्रीय स्तर तक भ्रष्टाचार है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। मैं कह रहा मेरा अनिल चौहान ने काम करा मेरे से सड़क दी, मैं कुछ नहीं काम आदमी, उस आदमी ने मेरे से सड़क दी, कहने लगे गुड़ंचा तेरे नाम का बंधवाने जाना मंदवा, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं करूंगा, करनी भी चाहिए, दस जगह कहूंगा उसके बारे में भाई उस आदमी ने मेरे को काम करा। अब वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, अब वो नहीं लड़ रहा, कोई लड़ रहा उससे दे देंगे भाई, अगर वो लड़ता उससे दे देते। अच्छा एक बात और बताओ, जैसा मनीष चौहान जी का यहाँ रुका सुन रहे थे टिकट होगा होगा, अगर मनीष चौहान जी का टिकट हो जाता है इकरा जी के सामने, तो फिर क्या जो आवाज जो लग रही है इलाकों की, कुछ इलाकों की भाई खाली करा की है, वो चेंज होती क्या कुछ? भाई पहली बात तो यह है कि बीजेपी में मनीष चौहान का टिकट है ये देने के नहीं, इन्होंने वो आदमी चाहता ही नहीं जो उनसे जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करे, नहीं मरगांगा को टिकट देने के, ना ये अनिल को टिकट देने के, ना उसे देने के मनीष चौहान को, इन तीनों आदमियों को टिकट देने के नहीं, क्योंकि इनका भाईचारा, इनका काम, इनके 36 बिरादरी इनकी मकान घर पे इनकी कोठी पे जाती है, ये सबका काम करते हैं, इनको टिकट नहीं मिलेगा। वहां तो टिकट उसे मिलेगा जो उनसे जो है एक तरफा की बात करेगा, सिर्फ एक ही समाज की बात करेगा, जो एक ही समाज की बात करेगा उसे टिकट मिलेगा, बीजेपी में इन्हें टिकट नहीं मिलेगा, साफ सुथरी छवि के आदमी है।